तो हेलो दोस्तों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर टू के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए ही, जो आपको इजीली इस बार टीयर टू क्वालिफाई करवा देगा। और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर टू के लिए कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होने वाली है, जो आपको ईजिली पेपर को क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेगी। और बहुत सारे कैंडिडेट जो टीयर वन को क्वालिफाई करके टीयर टू में आए हैं, तो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ तो अलग होगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और फिर जो भी मैंने आपको इस वीडियो में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई है, जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में नहीं होगी, तो आप उसको आज से फॉलो करने लग जाइए। या फिर जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में सेम होने वाली है, तो आपके लिए वो बहुत अच्छी बात होने वाली है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को, जो कि आपके पेपर को ईजिली क्वालिफाई करवाने में हेल्प करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट बुक बताने वाली हूँ, उन सारे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। आप वहाँ से भी ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से जाके भी ले सकते हैं, अगर आपको इससे कम प्राइस में बुक मिल जाती है तो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट कैंडिडेट्स को पता होगी, जो कि एग्ज़ाम डेट, जो कि 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच है। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, जो भी बहुत सारे मोस्ट कैंडिडेट्स को पता होगी, जो कि है इंग्लिश और मैथ्स का पेपर आने वाला है। मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 मार्क्स के, जबकि आपके इंग्लिश में आने वाले 200 क्वेश्चन आने वाले हैं 200 मार्क्स के, मतलब टोटल 300 क्वेश्चन आने वाले हैं 400 मार्क्स के, और 120 मिनट्स होने वाले हैं आपके हर पेपर के टाइम ड्यूरेशन। तो अगर आप इसमें 180 प्लस या 180 प्लस दोनों में मार्क्स लाएंगे, तो आपके 360 मार्क्स हो जाएंगे 400 में से, तो जो कि ये सेफ स्कोर होने वाला। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की, कि इंग्लिश के लिए कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। तो इंग्लिश के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होने वाले, सबसे पहले वो बुक्स नहीं है, वो है न्यूज़पेपर, जो कि है दी हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि इंग्लिश के आपके जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आरसी, क्लोज्ड एंड पैराजम्बल, ये तीनों टॉपिक को कवर करता है न्यूज़पेपर, जो कि है दी हिंदू न्यूज़पेपर। तो हिंदी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने रीडिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी डेली न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। आपको अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको अपने करंट अफेयर का सेक्शन नहीं ठीक करना, बल्कि आपको अपने रीडिंग स्किल को डेवलप करेगा। और हाँ, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को जाके देखेंगे, जो कि 2018 मेंस में, तो आपको पता चलेगा कि उसमें बुक से ज़्यादा न्यूज़पेपर से पूछा गया है। तो जो कि आपको न्यूज़पेपर बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आरसी, क्लोज्ड एंड पैराजम्बल तीनों टॉपिक को कवर करेगा। तो ये तो बात हो गई आरसी, क्लोज्ड एंड पैराजम्बल की। तो अब बात करते हैं ग्रामर की, कि ग्रामर के लिए कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। तो जो ग्रामर की बेस्ट बुक होने वाली है, एसपी बख्शी जी की ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, ये बेस्ट बुक होने वाली है ग्रामर के लिए। तो इस बुक से ग्रामर के पोर्शन के साथ साथ वोकैबुलरी का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा आता है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता होगे पहले से। तो जिन कैंडिडेट्स ने ये वाली बुक नहीं ली है, वो इस बुक को जल्दी से जल्दी परचेस करें अपने वोकैबुलरी और ग्रामर के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक पहले से ही है, वो बिल्कुल ना भूलिएगा इस पोर्शन को पढ़ने के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, कि कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो सबसे बेस्ट बुक है आपको मार्केट में जो मिल जाएगी, वह वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुईस। इससे आपको कोई भी अच्छी बुक नहीं मिलने वाली वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। तो अब तो बात करते हैं एक और जो बुक है, जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि दी प्लेटफॉर्म बुक, ये वाली जो आपको दिख रही होगी दी प्लेटफॉर्म बुक, जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं आपको चैप्टर वाइज। तो ये बात हो गई इंग्लिश के लिए, कि इंग्लिश के लिए कौन कौन सी बुक होने वाली है। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको सिर्फ चार बुक बताई है। पहला तो इसमें न्यूज़पेपर है, वो तो आपका डेली है। उसके बाद मैंने आपको तीन बुक बताई है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैथ्स के लिए, कि मैथ्स के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक होने वाली है। दी प्लेटफॉर्म बुक एडवांस मैथ्स के लिए, जो कि बेस्ट बुक होने वाली है एडवांस मैथ्स के लिए। इसमें मुझे इस बुक में मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छी लगी, वो इसमें लगी जो फॉर्मूले सारे दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स दिए गए हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। साथ में इसमें लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, इसमें क्वेश्चन के लेवल भी बढ़ते चले जाएंगे, और साथ में आप देखेंगे कि आपके प्रिपरेशन भी हाई लेवल तक चले जाएगी। और साथ में इसमें एक बात और अच्छी दी गई है, जो कि आपको इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चले जाएंगे। तो ये बेस्ट बुक हो गए एडवांस मैथ्स के लिए। तो अब बात करते हैं जो कि अर्थमेटिक के लिए बेस्ट बुक होने वाली है, वो राकेश यादव जी की जो अर्थमेटिक की बुक है, वो बेस्ट बुक होने वाली है। आपको जो ये दोनों बुक जो मैंने आपको बताई, वो इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूँ, कि इन जो भी सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट बुक बताई है, उन सारे बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मैथ्स के इंपॉर्टेंट बुक्स को लेने की।
तो मैं यहाँ पर आपका एक डाउट और क्लियर कर दूँ कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 या 3 से बुक ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ये भी बुक ले ली वो भी बुक ले ली तो वो बिल्कुल कन्फ्यूज होकर रह जाते हैं कि किस बुक से पढ़ें, थोड़ा इस बुक से पढ़ लेते हैं थोड़ा उस बुक से पढ़ लेते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छी बुक लेनी है, इंपॉर्टेंट बुक लेनी है, 2 या 3 से बुक बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेनी, उसी बुक को पढ़ना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको दोबारा से उसी बुक को पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम एग्ज़ाम में बैठें उस बुक से अगर हमारे आए तो हमारा बिल्कुल भी क्वेश्चन मिस हो जाए, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट बुक्स को लेने की, तो अब बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए हमारी। तो आपको डेली कम से कम 6 से 7 आवर पढ़ना है डेली, फुल फोकस और फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ना है। जब भी आप इन 6 से 7 आवर्स में पढ़ने बैठेंगे तो आपका बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए अपने स्टडी पर। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी का पार्ट। तो हमने अपने स्ट्रेटजी को 3 भाग में डिवाइड किया है, पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है मॉक्स और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है प्रीवियस ईयर पेपर। तो अब हम बात करते हैं जो हमने इन 3 पार्ट को डिवाइड करना है तो हमें बात करते हैं कि इन्हें प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रैक्टिस की। तो मैंने जो आपको इससे पहले इंपॉर्टेंट बुक बताई है आपको उनसे डेली प्रैक्टिस करना है। जब आप Tier 1 को क्वालिफाई करके Tier 2 में आए हैं तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही, तो आपको उन बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं करना है, आपको अब हाई लेवल के क्वेश्चन को करते हुए चले जाना है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेटजी के पार्ट फर्स्ट की। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के पार्ट सेकंड जो कि है ऑनलाइन मॉक टेस्ट। तो दोस्तों आपको डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना है। अगर आप डेली नहीं दे पा रहे हैं तो आपको वीकली तो 100% मॉक टेस्ट देना है, और आपको मॉक टेस्ट उसी वे में देना है जैसे कि आप अपने पेपर में दे रहे होंगे। और अब बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे। तो बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं वीकली, जो कि आपको जैसे ग्रीडअप, टेस्ट बुक और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट वो भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो आप वीकली मॉक टेस्ट देना तो बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेटजी के पार्ट सेकंड की। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी के पार्ट थर्ड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर। तो दोस्तों मैंने जो आपको इससे पहले इंपॉर्टेंट बुक बताई है उसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप उसके SSC के ऑफिशियल वेबसाइट से SSC CGL Tier 2 के प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको ईजिली मिल जाएंगे। तो आपको इन प्रीवियस ईयर पेपर को डेली करना है, वो भी 1 से 2 सेट डेली करना है। तो जब भी आप इन प्रीवियस ईयर पेपर को करने बैठेंगे तो आपको हमेशा अपने टाइमर के साथ ही करना है, मतलब कि आपको 2 आवर्स का टाइमर हमेशा लगा के करना है। तो यदि अगर आप मॉक टेस्ट को डेली नहीं कर पाते, वीकली करते तो चलेगा, पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर को डेली करना है वो भी 1 से 2 सेट। तो जब आप इस प्रीवियस ईयर पेपर को डेली करते रहेंगे अपने पेपर होने से पहले तक, तो जब आप अपने पेपर में जाएंगे तो देखेंगे कि आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर या फिर आपको एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे देखने को, तो आपको उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 100% क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं इस बार। तो ये तो बात हो गई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के 3 पार्ट। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट Tier 1 को क्वालिफाई करके Tier 2 में आए हैं तो उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इनमें से सेम होगी ही। तो जिन दोस्तों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इनमें से सेम नहीं है तो वो उनको आज से फॉलो करने लग जाएं, जिससे कि आपका इजीली Tier 2 क्वालिफाई हो जाएगा और आप Tier 3 में एंटर कर जाएंगे इजीली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और बेस्ट बुक। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। और हाँ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम शिवानी_442 है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।